जो अपने आप को दावा करती कि डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं कहां से सीख करके आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा पहचान इन्होंने ही बनाई है। अभी इसी सदन में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी योजना पानी की उत्तर प्रदेश में चल रही है, या देश में चल रही सबसे बड़ी योजना है विश्व की। और विश्व की क्यों नहीं होगी, विश्व के यहां पाइप वाटर सप्लाई कब शुरू हो गया था, किस जमाने में पाइप वाटर सप्लाई था, और हर योजना इनकी विश्व वाली है। ये सरकार जो दावा करती है कि झोला छाप जो डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे, ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है, इनके छापों का असर क्या है, एक बच्चे को, एक मां जो एक गोंडा के अस्पताल में एडमिट थी, जाने कहां से जानवर आया, किसके कारण उसको नोच लिया गया जिसे जान चली गई, जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, इनके पास माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था, पता नहीं कान में क्या कह दिया, कान में कुछ कह दिया, ये कान वाला इलाज क्या है आपका, के पत्रकारों ने उसके पास सवाल नहीं पूछा आपसे, ये कान वाला इलाज क्या किया आपने। कोई अपना प्राइवेट संस्थान बना है, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप सरकारी संस्थाओं को खत्म कर दे रहे। यहां पर लाखों लोग आ रहे हैं लखनऊ में, लाखों लाख जो इलाज कराने के लिए आते होंगे, जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में मैं गया हूं, जो समाजवादी सरकार में बन रहे थे उससे एक इंच आगे नहीं बढ़ा पाए। मैं नेता से कहना चाहता हूं कि जब ऑक्सीजन का प्लांट आपको देखना था तो आप सफाई की तैयारी करके गए थे, अगर थोड़ा दायमाएं भी देख लेते, इस देश की वन ऑफ द बेस्ट जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज दिया था, एक सुपर स्पेशलिटी बन रहा था। हमसे नाराजगी हो सकती है क्योंकि हम सत्ता में आपके भागीदारी हो सकते हैं, लेकिन आसपास के गांव के लोगों की क्या नाराजगी है आपसे, मध्य प्रदेश के लोगों की क्या नाराजगी है, और आसपास के लोग जो इलाज कराने आते उनसे क्या नाराजगी है आपकी। जितना बना था उतने ही का बना, आगे नहीं बन पाया। और केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, जौनपुर का मैंने बताई दिया, हमारे अध्यक्ष जी हैं उनका मेडिकल कॉलेज, क्या काउंसिल जो मानक है उसके तहत मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, क्या आप परिवार डॉक्टर हैं। जब आपके इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं तो आप नेता सदन जानते होंगे, अधिकारी लोग मिलकर के इस अस्पताल के यहां पर, इस अस्पताल के यहां पर, ऐसी मान्यता ले रहे हैं आप कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, आप भविष्य क्या होगा डॉक्टरों का। इसलिए जो पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इनमें आप पर्याप्त डॉक्टर्स को उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और जो सुविधा मिलनी चाहिए गरीब मरीज को वो सुविधाएं आप दिला पाओगे कि नहीं दिला पाओगे। एक रुपए का पर्चा 10 रुपए का कर दिया आपने, जांचों में भी पैसा लगेगा, आप एमआरआई, सीटी स्कैन और जितनी भी जांच है सब प्राइवेट हाथों में दे जा रहे हो, तो गरीब क्या कराएगा, कहां से जांच कराएगा, और जो मशीनें ऑब्सोलीट हो गई उनको कब ठीक करोगे। कैंसर बढ़ रहा, उसके कैंसर के इलाज के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट बनना था, आज भी लोगों को मुंबई जाना पड़ रहा है, आज भी लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा है, और जो कुछ मदद सरकार से होती है और सरकार भी आधे अधूरे मन से मदद करती है। ये माननीय सदस्य बैठे हैं, ये पत्र लिखते हैं, कोई अपने इलाज के लिए नहीं पत्र लिखते हैं, जो गरीब जनता आती है उनके लिए पत्र लिखते हैं। अरे इतने गरीब कब से हो गए नेता सदन, आप अभी तो डबल इंजन की सरकार है, आपको तो डबल पैसा देना चाहिए, और फिर उसमें भी हिसाब किताब देखते हैं आप कि कितना देंगे। अरे कोई बीमारी एक बार आएगी, पता नहीं कि बीमारी कितनी बार आ जाए, तो बीमारी आ जाएगी उसके लिए केवल आप कंजूसी करके कर थोड़ा सा पैसा दे देंगे, क्या उससे इलाज हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से
कि अगर कोई गरीब आए सरकारी अस्पताल में तो उसे इधर उधर नहीं देखना पड़े, पूरा का पूरा इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाए। ये समाजवादियों का मानना है, ये हमारी सोच थी। मुझे याद है नेताजी ने जब भी ये लोहिया इंस्टीट्यूट बनाया, एक रुपए का पर्चा किया, इलाज फ्री करा दिया। आज 100 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया। और हर मेडिकल कॉलेज में अलग से बजट देते थे गरीब के इलाज के लिए, असाध्य बीमारी के लिए इलाज करा ले, उसको पैसा नहीं देना पड़े। अरे कहां लेके जाओगे इतना पैसा? और अब तो आपने आउटसोर्स करके कंपनी हायर की है कि हम $1 trillion इकोनॉमी कैसे बनाएंगे यूपी की, $1 trillion इकोनॉमी। आपको लगता है दिल्ली वाले मदद नहीं कर रहे, जितनी मदद करनी चाहिए आपको। अरे दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है, आप बताइए दिल्ली वालों को, और पैसा लाइए। आप अपना घोषणा पत्र दोबारा पलट के नहीं देखते क्या? आपने कितने एम्स बनाने के लिए कहा था? 5 साल चले गए, कितने एम्स बन गए आप? ये दोनों एम्स जो बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादियों की देन है जिसकी वजह से एम्स बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि एक नौजवान ने केवल सरकार का विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया, और लोकतंत्र में उसकी जगह है। कम से कम नेता सदन को इतने बड़े दिल का होना चाहिए कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो उससे पूछे कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हो? हमारी डबल इंजीनियरिंग सेवा तो इतनी अच्छी चल रही है। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है एक व्यक्ति ने गाजीपुर से मुझे फोन पर धमकी दी कि आपको उड़ा दिया जाएगा, जान ले लूंगा मैं। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, पूछा मैंने कि भाई तुम क्यों जान ले लोगे? उसने कहा कि हमारे गांव की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए हाईलाइट करने के लिए मैंने कहा। उसकी समस्या का समाधान हुआ, लेकिन यहां क्या हो रहा है सरकार में? अगर कोई काला झंडा दिखा दे, सरकार के खिलाफ अपनी बात उठाना चाहे, और क्यों ना उठाए बात? जिस मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, क्या वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है? क्या वहां पर इलाज हो रहा है? क्या पर्याप्त डॉक्टर्स हैं? क्या पर्याप्त मशीन्स पहुंच गई हैं? क्या पर्याप्त पेडियाट्रिक स्टाफ? एक घटना। और दूसरी घटना प्रतापगढ़ की, अगर किसी छात्र नौजवान ने विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया, हमें न जाने कितनी बार काला झंडा दिखाया गया, उसके ऊपर पुलिस से फर्जी बम दिखा करके जेल भेज दिया। ये मामूली घटना नहीं है। और जो कस्टोडियल डाक की बात कर रहे हैं, अभी गोंडा में कस्टोडियल डेथ हुई अध्यक्ष महोदय, कस्टोडियल डेथ गोंडा में हुई, एक नौजवान को बुला लिया और पीट पीट करके जान लेने की बातें लिख के दे देंगे, उसका जवाब देंगे। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं, गोरखपुर की चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की और बोलते बोलते उनको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। स्वाभाविक रूप से जब कोई चीज और खासतौर पर जनता जनार्दन अपना फैसला करके दे ही देती है, सपने जब पार पार होते हैं तो उसका दुख होगा ही, और उनकी बातों में वो दुख झलक भी रहा था। लेकिन हमें जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार तो करना पड़ेगा।